बांग्लादेश में 12 घंटे से अधिक समय तक चला बंधक संकट समाप्त हो गया है। ढाका में राजनयिक इलाके में एक रेस्तरां में कमांडो कार्रवाई में 6 आतंकवादी मारे गए। बंधकों में कई विदेशी थे। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि सरकार आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात कर इस घृणित आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका का एक रेस्तरां शुक्रवार को गोलियों की आवाज से दहल उठा और कुछ बंदूकधारियों ने 20 लोगों की निर्मम हत्या कर दी और कई अन्य को बंधक बना लिया। बाद में सुरक्षा बलों ने रेस्तरां में घुसकर 13 बंधकों को छुड़ा लिया और 6 बंदूकधारियों को मार गिराया और एक को गिरफ्तार कर लिया। मारे गए सभी 20 व्यक्ति विदेशी नागरिक थे। ऑपरेशन खत्म होने पर देश को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सुरक्षा बलों की सराहना की। आतंकियों के साथ 10 घंटे चली लड़ाई में हम 13 बंधकों को बचा पाए, लेकिन कुछ जिंदगियां हम नहीं बचा पाए। कुछ लोग घायल हुए, 6 आतंकी मार गिराए गए, जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया। इन आतंकियों का कोई धर्म नहीं है। ये कैसे मुसलमान हैं जो रमजान के दौरान प्रार्थना करने के बजाय बेगुनाहों को मार रहे हैं? हमारे सुरक्षा बलों को सफल अंजाम दिया है, हम उनकी सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाका में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शोक संतप्त परिवारों के लिए मेरी संवेदनाएं। मेरी कामना है कि जो लोग घायल हुए हैं वे जल्द स्वस्थ हों। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में भारत बांग्लादेश के अपने भाइयों और बहनों के साथ है। इस हमले में मारे गए 20 लोगों में एक भारतीय लड़की शामिल है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर लिखा, मुझे बेहद दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आतंकियों ने ढाका में बंधक बनाई गई भारतीय लड़की तारुषी की हत्या कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने उनके पिता श्री संजीव जैन से बात की और अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दुख की इस घड़ी में देश उनके साथ है। अधिकतर बंधकों की शुक्रवार रात धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि रेस्तरां को बंदूकधारियों से खाली कराने और बंधकों को मुक्त कराने की कार्रवाई 12 घंटे तक चली। 13 मुक्त कराए गए बंधकों में श्रीलंका के 2 और जापान का एक नागरिक भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि बंदूकधारियों ने पहले 20 लोगों को बंधक बनाया था। गोली से घायल हुए जापानी बंधक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बंधक बनाए गए लोगों में इटली के भी नागरिक थे। 2 आतंकी गुटों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।